पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में पहली बार हुई धर्मसभा में धर्म, आध्यात्म, विज्ञान, ज्योतिष, राष्ट्रीयता, हिंदू, हिंदुत्व, राष्ट्रीय और हिंदू राष्ट्र जैसे मुद्दों पर प्रश्न उठे। सभा में मौजूद श्रद्धालुओं ने प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासा पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी जी निश्चलानंद सरस्वती जी के सामने रखी। शंकराचार्य ने उनके तर्कों और वेद मंत्रों के माध्यम से जिज्ञासा को शांत किया। इस दौरान हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा सर्वाधिक चर्चा में रहा। पूरी पीठाधीश्वर ने कहा कि हम सभी सनातनी हैं, हिंदू जीवन पद्धति है और राष्ट्रीयता से जुड़ा है, इसीलिए भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है तो देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भारत निश्चित ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता युर्गन्तो हो अधितृदियोरधितिरन्तरिक्षमधितृमाता स पिता स पुत्रः पृषभे देवा अदितिः पञ्च जना अधितृज्या त्वमधितृज्यानितवम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः। 1000 रुपये होते ही हैं, हमने एक संकेत किया कि उसको दूर करने का हम लोगों के पास प्रबल संदेश है। संपर्क में युवा पीढ़ी केवल में स्वस्थ क्रांति उद्भासित हो रही है। मैंने पहले भी संकेत किया कि दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधने की बिना है, इसलिए भौतिकवादी भी अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति ही हो सकता है। भूतों का हम जो कुछ करते हैं दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करके करते हैं। कितनी बात तो ध्रुव सत्य है कि सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे, इस पर विचार करें। सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। गोत्र प्रवर्तक ऋषियों के मूल में ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के मूल में श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु, और विष्णु भगवान का जो मौलिक स्वरूप है वही सच्चिदानंद सर्वेश्वर ब्रह्म है, जो कि महाप्रलय में भी अवशिष्ट रहता है। आगे मेरे सवाल था कि अभी लोकतंत्र है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हिंदुस्तान में रहते हैं, आने वाले वक्त में जब हिंदू राष्ट्र जैसे घोषित होने की बात चल रही है तो उस वक्त सूरत हाल क्या होगी, किस तरीके से लोग रह पाएंगे। हमने कहा सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है, इस तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। मोहम्मद साहब तो मुसलमान नहीं थे। सुनिए, मैं बहुत लाड़ प्यार से बोल रहा हूँ, ईसा मसीह तो क्रिश्चियन नहीं थे, मोहम्मद साहब तो मुसलमान नहीं थे। सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। अपने पूर्वज की पहचान होगी तो हिंदुत्व के प्रति आस्था होगी, और मारकाट की बात नहीं, अपने पूर्वज की पहचान होगी तो हिंदुत्व के प्रति आस्था होगी ही। कुरान शरीफ और बाइबल के पहले भी कोई धर्म था या नहीं, कोई ग्रंथ था या नहीं, उसका मौलिक स्वरूप क्या था, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आगे होगा या उड़ीसा में जो संबल है वहाँ होगा, प्रभु गुरुवर जिज्ञासा शांत करे। समझे हुए इसी का प्रथम स्थान है, उड़ीसा का नंबर 2 हो सकता है। सुनिए जगत गुरु जी के शिष्य सुखबोध आश्रम जी एक थे महापुरुष, मुरादाबाद जिला के। स्कंद पुराण में संभल संभलक ग्राम का महात्म्य है, उसका उन्होंने विधिवत
हिंदी अनुवाद किया, पृथक से प्रकाशित किया। संभलक क्षेत्र, संभलक ग्राम का जो क्षेत्रफल लिखा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का जो स्वरूप चित्रित किया गया है वो उत्तर प्रदेश के संभलक ग्राम में ही चरितार्थ है, उड़ीसा में नहीं। का जो स्वरूप चित्रित किया गया है वो सारे तीर्थ यहीं सुलभ होते हैं। अगर जगन्नाथ जी उनको वहाँ खींच ले जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उड़ीसा खींच ले जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लक्षण सब यहीं चरितार्थ होते हैं। श्री रामकृष्ण भी उत्तर प्रदेश की धरती पर ही व्यक्त होते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरे हृदय में इसलिए आस्था है, मेरी गुरु परंपरा भी उत्तर प्रदेश की ही है। मैं कुल स्वामी अखंडा जी से, स्वामी करताती महाराज का शिष्य हूँ, अखंडा जी महाराज से भी मैंने विद्या अध्ययन किया है। ये सब उत्तर प्रदेश के ही सिद्ध हैं। आगे सभी संप्रदाय आते हैं, उसमें से कुछ गृहस्थ भी होते हैं महाराज जी, जिसमें से गिरी पुरी बन भारती आदि होते हैं, तो जो ये गृहस्थ परंपरा है ये चतुर्वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में किन के अंतर्गत आती है? न्यासी होते थे इसी के विषय में, जगन्नाथपुरी जी मन पुरी पीठ से संबद्ध वन और अरण्य सन्यासी। सुनिए बैठिए, जिनके पूर्वज सन्यासी होने के बाद देवयोग से गृहस्थ हो गए, उनकी परंपरा में आजकल के गृहस्थ वन गिरी आदि हैं। मूल में कभी उन्होंने सन्यास लिया होगा लेकिन पुनः गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर लिया, इसलिए उनकी परंपरा में गिरीपुरी आदि सरनेम जिसको कहते हैं उपाधि अंत में लगाने की प्रथा है। दशनामी जो सन्यासी होते हैं उनकी एक विधा है कि देहत्याग के बाद दाह संस्कार उनका नहीं होता। यद्यपि आर्य समाजी अपने सन्यासी का दाह संस्कार करते हैं शव का, लेकिन दशनामी सन्यासी क्योंकि अग्नि का संन्यास करके, अग्निहोत्र का विधिवत परित्याग करके ही संन्यास होता है। मूल बात यह है कि मुखजानामयम धर्मो यद विष्णु लिंग धारुणम, ब्राह्मण का ही सलिंग संन्यास में कासाय वस्त्र दंड इत्यादि के सही संन्यास में अधिकार, पहले यही प्रथा थी कालांतर। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।